हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी सिंह। आज मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का व्यू बताने वाला हूँ इस वीक की एक्सपायरी के लिए, कि इस वीक हम लोग जो है ऑप्शंस के ऊपर कौन सी स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी के ऊपर बना सकते हैं जिसमें हमारी विनिंग की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी हो। अगर अब तक आप लोगों ने डीमेट अकाउंट नहीं बनाया तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग पर तो ज़रूर बना लेना। फ्री में डीमेट अकाउंट बनेगा, 30 डेज तक बिल्कुल भी आपको जो है ब्रोकरेज नहीं लगेगी, फ्री में जो है सिग्नल्स मिलेंगे, फुल सर्विस ब्रोकर है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है आपको इस ब्रोकर के अंदर देखने को मिलती है। जीरोधा और अपस्टॉक भी बना सकते हो, तीनों ही ब्रोकर जो है काफ़ी अच्छे हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे पहले देख लेते हैं और व्यू देखते हैं किस तरीके का है। यहाँ पर कल जो लोग लाइव थे उन लोगों को मैं कह ही रहा था मार्केट फॉल होगा होगा होगा, लेकिन 36,000 तक का मेरा आइडिया था, लेकिन इतना फॉल होगा ये मुझे नहीं लगा था। लेकिन ये एक रेंज में फंसा हुआ है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको तबला बना रखा है। ऊपर जाता है 36,600-700 के करीब तो नीचे धकेला जाता है, नीचे जाता है तो ऊपर धकेला जाता है। तो अब कहाँ पर आ गया है, अब नीचे आ गया है, तो अब कहाँ धकेला जाएगा ये, अब ये धकेला जाएगा ऊपर, बिकॉज ये साइडवेज में मार्केट फंस चुका है। 36,600-700 की रेंज से नीचे की साइड पे ये 35,000 की रेंज निकल के आ रही है। ये इस रेंज के बीच में बहुत बुरे तरीके से मार्केट फंस गया है, और ऐसी कोई बुरी न्यूज़ है भी नहीं जिसको सुन के हम लोग ये कह सकें कि मार्केट जो है बहुत भयानक तरीके से जो है फॉल होने वाला है। तो ये जो फॉल हुआ है कल की डेट में, ये एक तरीके से जो मुझे लग रहा है, मेरा आइडिया है, आप लोगों का थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट इस फॉल को देख के मुझे यही समझ में आया कि ये जो है एक तरीके से बेवकूफ बनाया गया है, रिटेल ट्रेडर्स को डराया गया है। हो सकता है ये इसलिए डराया गया हो कि मार्केट को यहाँ से एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना हो, बिकॉज एक दिन में इतना बड़ा फॉल बिना किसी न्यूज़ के बिना किसी बात के बहुत अजीब सा लगा मुझे। यूएस बॉन्ड्स में जरूर जो है थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ था, बट उसकी वजह से इतना फॉल होना थोड़ा सा मुझे जो है अजीब सा लगा। बाकी अब स्ट्रेटजी क्या बनाए, व्यू मैंने बता दिया है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, कल हो सकता है गैप अप ओपनिंग हमें जो है देखने को मिले, ओपन होते के साथ ही मार्केट जो है ऊपर की साइड पे रन करना स्टार्ट कर दे। ऊपर की साइड की रेंज हमें पता है 36,700, नीचे की साइड की रेंज जो ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं ये लेवल्स हैं 35,000, इसके नीचे जो है 34,300 का लेवल। मैं काफ़ी टाइम से जो है इसको बरकरार रख के बैठा हूँ, लास्ट की तीन वीडियोस जितनी भी मैंने बनाई है, 3-4 वीडियोस सब में यही लेवल्स अभी तक वैलिड है, तो आगे भी जो है यही लेवल्स वैलिड रहने वाले हैं जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं हो जाते। तो स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, दो स्ट्रैटेजीज आज आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो है हम लोग व्यू बना सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाके जो है ना आप लोग कॉल को बाय कर सकते हो, लेकिन नेकेड मत करना। अनलिमिटेड प्रॉफिट ज़रूर हमें देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर 8,000 रुपये देने थोड़े से चुभते हैं मुझे, तो बेकार के ही लगते हैं कि 8,000-8,500 रुपये देना अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा, बिकॉज आईवीज बड़े हुए हैं जिस वजह से इनके प्रीमियम्स भी जो है काफ़ी हाई है। तो अब क्या करें, यहाँ पर जो है 35,900 का CE जो है हम लोग बाय कर सकते हैं और 36,000 का CE जो है हम लोग सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके का पे ऑफ ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है जिसमें हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 1,700 रुपये के मैक्सिमम प्रॉफिट्स हैं, मैक्सिमम लॉसेस जो हो रहे हैं ये 750 रुपये के करीब के जो है हमारे लॉसेस हैं, और रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, 1:2 से जो है ऊपर का ही रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं 35,900, 30 से ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा तो हमारी ट्रेड जो है प्रॉफिट में आनी स्टार्ट हो जाएगी। विनिंग प्रोबेबिलिटी कम बताई जा रही है 30%, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके का वॉलेटाइल मार्केट है अपसाइड पे इस रेंज को तो बहुत प्यार से जो है ये ब्रेक कर देगा, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से 30% से ज़्यादा ही है। और यहाँ पर हमें जो फंड नीडिंग लगने वाला है 26,000 के करीब जो है हमें फ़ंड लगेगा इस ट्रेड को बनाने के लिए। तो एक ट्रेड जो है ये है जिसको आप लोग मंडे ओपन होते के साथ ही जो है बना सकते हो, और दूसरी ट्रेड जो मैं बताना चाहूँगा वो ट्रेड रहेगी रेंज के ऊपर, जो कि ये रेंज मैंने आप लोगों को बता दी ऊपर की साइड पे 36,700, नीचे की साइड पे 34,300 की रेंज जो है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की साइड पे PE की साइड पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पर जो है हम लोग कोई से भी स्ट्राइक प्राइजेस 34,500, 34,300, 34,400 का PE जो है हम लोग सेल कर देंगे। मैं जो है 34,500 का PE जो है सेल कर रहा हूँ और नीचे इसके 34,400 का PE जो है बाय कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे नेकेड नहीं छोड़नी है, मुझे अनलिमिटेड लॉसेज नहीं करने। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड अभी बहुत बेकार देखने को मिल रहा है, बट इसको जो है हम लोग अपर साइड पर भी जो है हैच करने वाले, बिकॉज ऊपर की साइड पर भी हमारे पास एक रेंज है। कौन सी रेंज है, ऊपर की साइड पर हम लोग जो है 36,700 का कॉल सेल करेंगे और 36,800 का कॉल जो है हम लोग बाय करेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बट जो रेंज अभी निकल के आ रही है, जो मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ उस हिसाब से यही स्ट्रैटेजी बन रही है। लेकिन अब जो है इसमें थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड बेकार है, हमारे रिस्क जो है
1700 रुपये का रिस्क है, जो रिवॉर्ड निकल के आ रहा है वो 750 रुपये के करीब का निकल के आ रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट्स आप देख ही सकते हो, ये रेंज मुझे नहीं लगता बहुत इजीली जो है ब्रेक होने वाली है। अगर होगी भी तो ये हमारा मैक्सिमम लॉस होने वाला है। विनिंग प्रोबेबिलिटी 60% की बताई जा रही है। हमें इस ट्रेड को बनाने में जो है 45,000 रुपये के करीब जो है लगने वाले। तो ये दो स्ट्रैटेजीज है जिनको आप लोग जो है मंडे ओपनिंग होते के साथ ही जो है अपने अकाउंट पर बना सकते हो। चैनल पर नए हो तो गलती से भी सब्सक्राइब मत कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करना, गलती से भी जो है लाइक मत कर देना। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।